Dear students, we are starting. I have already shared on WhatsApp the summary of the story The Story of Muhammad Din by Rudyard Kipling. This book has been introduced this year into your general English course. The मैन्यू वर्ल्ड्स ऑफ लिटरेचर एडिटेड बाय जसबीर जैन आपके वॉट्सएप ग्रुप पे मैंने इसकी स्टोरी और समरी आपके साथ शेयर की है आज मैं आपको स्टोरी ऑफ मोहम्मद दिन को डिस्कस करूंगी विच इज रिटन बाय किपलिंग आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर वन थिंग कि रुडियार्ड किपलिंग की जो राइटिंग्स हैं, वो हमारे प्री इंडिपेंडेंस टाइम की लिखी हुई हैं। स्वतंत्रता से पहले वेरी मच इंडियन इन द नेचर और सारा जो उसका बैकग्राउंड स्टोरी है वो स्वतंत्रता से पहले की है जब हम आज़ाद नहीं थे और गुलाम भारत में रह रहे थे तो गुलाम भारत का क्या सीन था ये उस पीरियड की ये कहानी है आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि द स्टोरी ऑफ मोहम्मद बिन जो है रुडियाड किपलिंग की फर्स्ट स्टोरी है एंड ये जो स्टोरी है ही रोट एट द एज ऑफ एटीन और उसके बाद में ये जो किताब है सॉरी ये जो स्टोरी है किपलिंग की द स्टोरी ऑफ मोहम्मद बिन ये बाद में 1816 में प्लेन टेल्स फ्रॉम द हिल्स में पब्लिश हुई थी नाउ The description which you have got in your chapter regarding the story of Muhammad Din is this This is a very touching and sad story about a little child who is full of life and whose endearing ways win him many friends. He keeps himself busy with various kinds of games and finds happiness in ordinary things. ये कहानी है मोहम्मद दिन की एक बच्चा है जो कि uh, अपने खेल में व्यस्त रहता है एंड डियर टू द दर्सन अराउंड लेकिन हिज लाइफ इज कट शॉर्ट बाय एन इलनेस एंड हिज लॉस इज फेल्ट इवन बाय द नरेटर बट सडनली दिस बॉय मोहम्मद बिन फॉल्स इल और इज ए और उसकी जो एबसेंस है जो लॉस है जो कमी है इस फेल्ड बाय द नरेटर और नरेटर कौन है हमारी स्टोरी का ए वाइट मैन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो आ, स्टोरी है ये गुलाम भारत की टाइम लिखी गई है केपलिंग के द्वारा So, who has himself shown kindness in many different ways? So, this white man who started liking and loving our main character, that is Muhammad Din, so, he also felt the loss of the boy who left this world because of an illness. But behind this simple narrative. वन कैन सी द कोलोनियल सिचुएशन कोलोनियल मीन्स उपनिवेश उपनिवेश मतलब जब हम गुलाम थे सिचुएशन इन द रिलेशनशिप बिटवीन द मास्टर एंड द सर्वेंट्स जो कि उपनिवेश भारत के समय जो कि मास्टर और सर्वेंट की जो रिलेशन थे वो रिलेशन काय के थे कैसे रिलेशन थे दोज वर मार्केटेड बाय फियर एंड अथॉरिटी अथॉरिटी और फियर ये दोनों ही उस वक्त हुआ करते थे इट इज ओनली द लिटिल चाइल्ड हु इज एबल टू क्रॉस इट इन सम मेजर तो ये जो फियर और अथॉरिटी की बात ये जो इस स्टोरी में हम महसूस करेंगे उपनिवेश भारत की ये वही फियर और अथॉरिटी है अगर आप अमेरिका का इंडिपेंडेंस का जो संघर्ष का इतिहास आप पढ़ोगे तो वहां पे जो वाइट्स और निग्रोस का जो संघर्ष था मोर और संघर्ष हमारे इंडिया में था वाइट्स वर्सेस इंडियंस तो जो उनकी रिलेशनशिप थी दैट वाज मार्क्ड बाय फियर एंड अथॉरिटी फियर ऑन द पार्ट इंडियंस एन अथॉरिटी ऑन द पार्ट ऑफ द वाइट्स लेकिन इट इज ओनली द लिटिल चाइल्ड हु इज एबल टू क्रॉस इट इन सम मेजर और केवल ये छोटा बच्चा था जो कि यह नहीं समझ पा रहा था कि वो एक गुलाम भारत का व्यक्ति है और जो वाइट्स है दे आर देयर टू रूल अर्स पर लेकिन लाइक हिज फादर ही वॉज नॉट रेडी टू बी डोमिनेटेड बाय द वाइट तो जो थोड़ी डोमिनेंसी है जो अथॉरिटी है वाइट्स की जो थोड़ी बहुत भी अगर चैलेंज हुई है तो वो इस बच्चे के द्वारा इस चैप्टर uh, में वो दिखाई गई है नाउ देर इज वन कोट विद विच रुडियार्ड किपलिंग स्टार्ट द स्टोरी हु इज द हैप्पी मैन कौन है कौन सा व्यक्ति ही? खुश हैप्पी व्यक्ति है। कौन सा व्यक्ति है ही ये जो लाइन मैं आपको बताने जा रही हूं कोरोना काल में आपने भी देखा होगा कि वो घर सबसे ज्यादा खुश है जहां पे वो जो बच्चों से भरा हुआ है जहा पे कि लौटकर बच्चे आए हैं वो कोरोना काल में वो घर अपने आप ही बहुत खुश हो गया है हम सबको कोरोना काल में साथ रहने का मौका मिला तो ये हमारे लिए एक हैप्पीनेस का कारण बना कोरोना काल अदरवाइज हम बहुत टाइम तक जो है आ, पढ़ाई के कारण नौकरी के कारण अलग अलग रह रहे थे तो कोरोना के माध्यम से हमें जो है अपने परिवार में बच्चों के साथ रहने का मौका मिला और ये बात मैं आपको अगर बम्बई दिल्ली शहरों की तरफ लेके जाऊं तो आप महसूस करेंगे कि कोरोना काल में जिन बच्चों को अपने फादर पूरे छह दिन नजर नहीं आते थे कोरोना काल में जब कंप्लीट लॉकडाउन हुआ तो उनको अपने माता पिता के साथ समय बिताने का मौका मिला तो वो माता पिता भी बहुत खुश थे जिनको कि अपने बच्चों के साथ समय बिताने का मौका मिला सो आई एम अगेन कमिंग बैक टू द फर्स्ट लाइन ऑफ अवर स्टोरी कि हु इज द हैप्पी मैन कौन है वो आदमी जो बहुत खुश है कौन है ही दैट सीज इन इज ओन हाउस एट होम लिटिल चिल्ड्रन क्राउन विद डस्ट लीपिंग एंड फॉलिंग एंड क्राइंग कि वो व्यक्ति सबसे ज्यादा खुश है जो अपने घर में सराउंडेड बाय द चिल्ड्रन जिसके हाथ पैर मिट्टी से सने हुए हैं एंड एंड फॉलिंग दौड़ दौड़ भाग कर रहा है कूद रहा है बच्चा और गिर रहा है उठ रहा है रो रहा है और फिर वापस दौड़ भाग कर रहा है तो किपलिंग ही इज द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ बिकॉज ही इज सराउंडेड बाय लिटिल चिल्ड्रन नाउ लेट अस स्टार्ट द स्टोरी पोलो बॉल वॉज एन ओल्ड स्कार चिप्ड एंड डिंटेड एक पोलो बॉल थी वहां पे स्कार थी मतलब तो बहुत सारे निशान थे जगह जगह से टूटी भी थी डिंटेड डेंट dent पड़ा हुआ था इट स्टूड ऑन द मेंटल पीस एक मेंटल पीस पर वो थी अमंग द पाइप स्टैम्प दूसरी जो पाइप थे उनके साथ ये रखी हुई थी

क्या हैवन बॉर्न रिमेंबर सी दिस लाइन बॉर्न ये आपको फियर आपको खुद में एक इनफेटी कॉम्प्लेक्स और वाइट्स के लिए वाइट्स को हमेशा सुपीरियर मानना ये माननाटी कॉम्प्लेक्स जो है आप खुद उनको महसूस करा रहे हैं तो जैसे कि हम लॉर्डशिप बोलते हैं योर ऑनर बोलते हैं क्वीन को हर हाइनेस बोलते हैं तो उसी तरीके से हमारा जो नरेटर है उसको इमाम दिन क्या कह रहा है हेवन बॉन्ड ठीक है सर की बजाय वो चाहता तो इसको सर भी कह सकता था राइट सो डज द हेवन बॉन्ड वांट दिस बॉल कि क्या स्वर्ग में जन्मे हुए आप को गेंद चाहिए ठीक है तो व्हाई हेवन बॉन्ड तो इसका मतलब क्या है कि वो दिखाना चाहता है कि मैं आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूं स्वर्ग में जन्मे हुए

कि इस खिदमत को दैट इज इमाम दिन को क्या जरूरत आ पड़ी है इसकी पोलो बॉल की तो खिदमत कहता है बाई योर ऑनर्स फेवर आई हैव है लिटिल सन छोटा बच्चा है मेरी एंड ही हैज सीन दिस बॉल उसने ये बॉल देख ली है एंड डिजायर्स टू इट टू प्ले विद एंड ही वांट्स टू प्ले विद दिस बॉल आई डो नॉट वॉन्ट इट फॉर माई सेल्फ तो इमाम दीन कह रहा है वाइट बॉन्डन वाइट कलर्ड है, 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 है अपने मालिक को कि आई डो नॉट वॉन्ट दिस बॉल फॉर माई सेल्फ बट माई सन ही वॉन्ट्स टू प्ले विद इट नो वन वुड फॉर एन इंस्टेंस एक्यूज पोर्डली ओल्ड इमाम दिन ऑफ वॉन्टिंग टू प्ले विद पोलो बॉल्स नेचुरली कोई नहीं कहेगा कि ये जो बल्कि सा हैवी सा इमामदिन है वो पोलो बॉल से खेलना चाह रहा है ही कैरीड आउट द बैटर्ड थिंग इन टू दरान्डा एंड दे आर फॉलोड ए हरी जॉय तो फिर वो जो है पोलो बॉल वो बरामदे में ले आया और हमारे नरेटर ने क्या एक्सपीरियंस किया there followed a hurricane of joy. Hurricane हरिकेन ऑफ जॉय मतलब जैसे खुशी का तूफान आ गया हो खुशी का बवंडर आ गया हो खुशी का सैलाब आ गया हो कैसे Followed, दे आर a ए हरिकेन ऑफ squeaks, a ए पैटर ऑफ स्मॉल फीट एंड द थर्ड 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 ऑफ द बॉल रोलिंग अलोंग ओके okay? तो बच्चा दौड़ता हुआ चिल्लाता हुआ धड़ धड़ करता हुआ ग्राउंड पे आ गया एविडेंटली द लिटिल सन हैड बीन वेटिंग आउटसाइड द डोर टू सिक्योर हिट ट्रेजर तो छोटा बच्चा जो था वो बिल्कुल दरवाजे के बाहर ही सारा कॉन्वर्सेशन सुन रहा था एंड ही वॉज वेटिंग टू सिक्योर हिज ट्रेजर ट्रेजर कौन सी हुई यहाँ पे पोलो बॉल उसको लग रहा था कि उसके फादर जो है इस वाइट आदमी से जिसको कि वो नहीं जान रहा था कि ये हमारा रूलर है हमारे से सुपीरियर है हमारा मालिक है उसके लिए तो एक सिंपल सा एक ह्यूमन uh, बीइंग था जो कि उसको वो उसकी पोलो बोल देने वाला था हाउ हैड ही मैनेज टू सी दैट पोलो बॉल लेकिन उसको ये पोलो बॉल दिखी कैसे ये हमारा नरेटर सोच रहा था नेक्स्ट डे कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस हाफ एन आवर अर्लियर देन यूजुअल। अगले दिन मैं ऑफिस से एक घंटा पहले हाफ एन आवर सॉरी आधी घंटा पहले मैं आ गया था आई और जब मैं आया तो मैंने क्या देखा आई वॉज अवेयर ऑफ ए स्मॉल फिगर इन द डाइनिंग रूम मैंने देखा कि एक छोटा सा जो फिगर है बच्चा है डाइनिंग रूम में था ये डाइनिंग रूम क्या है आपका जानते हैं ये इसमें डाइन जो है आपकी मेन वर्ब है ओके okay? डाइन मतलब खाना खाना रात का खाना है स्पेशली डाइन वर्ड से डाइनिंग बनी है और डाइन वर्ड से ही जो है डिनर बनता है तो डाइनिंग रूम में एक छोटा सा बच्चा था टाइनी प्लम्प फिगर इन्हे रिडिकुलसली इन एडिक बड़ी ही हास्यासत तरीके से बिना नाप की छोटी सी शर्ट पहन रखी थी विच केम पर टबी स्टमक छोटी सी बिना नाप की जो शर्ट पहन रखी थी वो उसके पेट तक ही आ रही थी ठीक है इट वॉन्डर्ड राउंड द रूम थम इन माउथ उसने अपने जैसे की छोटे बच्चे करते मुंह में अंगूठा ले रखा था To itself. Is, अपने आप से ही गुनगुना रहा था पिक्चर्स अन दिस वॉज द लिटिल सन एज इट टुक स्टॉक ऑफ द पिक्चर्स तो जो आस पास जो चीजों को देख रहा था अनडाउटेडली दिस वॉज द लिटिल सन तो मैं समझ गया कि वो ये वो लिटिल सन था जिसके बारे में कि मेरा बटलर मेरा खिदमतकार बात कर रहा था